गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सेल्फ स्टडी ब्लॉग फॉर UPSC चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूँ आपका दोस्त और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे और ऐसे ही मेरे साथ ब्लॉग में बने रहेंगे। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं RO की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और उनके उसी के लिए मतलब मैं अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग या कितनी स्ट्रॉन्ग हो गई है मेरी उसको जानने के लिए मैंने सोचा था कि अब हर वीक या हर 10 दिन में 2 मॉक देने हैं मुझे, मतलब हर 5 दिन में मॉक देने हैं। तो उसी मॉक का आज पहला दिन है नवंबर में। तो आज मैंने संडे को मॉक लगाया, तो मॉक मैंने पूरा एग्जैक्टली जैसे एग्ज़ाम के टाइम पे ही लगाया, 9:30 से 11:30 और प्लस सेकेंड वाला 2:30 से 3:30 के बीच में। तो अब आप आगे वीडियो में बने रहिए और आगे मैं मतलब किसी तरीके की बोलूँगा नहीं, मॉक बस खाली दूंगा, उसके बाद मॉक जब ख़त्म होगा उसके बाद मैं बात करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। GS का मॉक मैंने ख़त्म किया और अपने जितने भी गोले भरने थे वो मार्क वो भरे मैंने। फिर उसके बाद अगला जो मेरा था हिंदी का लगाने के लिए, तो हिंदी का मैंने वही अपना 2:30 से 3:30 के बीच में लगाया है। तो वो वीडियो भी इसी में अटैच्ड है, आप अभी आगे वीडियो शुरू होगा तो देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं उसी वीडियो को अगले। तो आप जब भी मॉक टेस्ट लगाएं तो 3-4 चीज़ों का बहुत ध्यान रखें जो कल मुझे एनालाइज़ हुआ। पहली चीज़ ये कि मॉक जब भी आप लगाएं तो मॉक लगाने के साथ साथ आपके पास होमवर्क ज़रूर होना चाहिए और आप एकदम बिना डिस्ट्रैक्ट हुए लगाएं। डिस्ट्रैक्ट इन द सेंस कि जब आप मॉक लगा रहे हो तो उस टाइम पे कहीं उठ के ना जाए कि इधर उठ के लाओ या कोई बुला रहा है या कुछ, तो सब कुछ आपको डिस्ट्रैक्शन छोड़ना पड़ेगा क्योंकि तभी आपको पूरी एग्ज़ाम की तरह फील आएगा।
और मॉक का एनालिसिस जो है वो मैं आपको शाम तक या कल वीडियो में अपलोड कर दूंगा, जिसको मैंने कायदे से एनालाइज़ किया है। तो बस उसी वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। और चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू सो मच ब्लॉग देखने के लिए।